सीन हम लोगों ने शूट किया आज, पहला दिन है शूटिंग का। और सीन बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, हमारे लिए प्यारा सा, अच्छा सा, क्योंकि हम लोग विलन हैं तो विलन टाइप का ही करेक्टर होता है। तो इसमें यह है कि हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन जा करके जो SP है उसको धमकाते हैं, भड़काते हैं कि भाई तू जल्दी जो है मेरी फिल्म में जो बहन बनी है वो गायब हो गई है, उसे पता कर, नहीं तो पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। तो ये फिल्म की कहानी यही है कि जिस हम लोग रईस फैमिली से हैं, हमारी बहन है और एक गरीब फैमिली का जो लड़का है उसको प्यार कर बैठता है, हम लोग उसकी खिलाफत में हैं और उसको ही लेकर के पूरी फिल्म में जद्दोजहद चलता है हीरो से हम लोगों का। और एक दिन जैसे हर फिल्मों में होता है उस तरह से हीरो जो है हीरोइन को लेके चला जाता है। सर जहाँ तक फिल्म के किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है, क्योंकि आपको हमेशा देखा गया भोजपुरी में विलन के तौर पर दिखाया जाता है, तो क्या इस फिल्म में भी विलन के तौर पर दिखाई देगा, क्या कुछ अलग होगा? नहीं, फिल्म में तो मेरा विलन का ही करेक्टर है, लेकिन हर फिल्मों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये सुलझा समझा सा करेक्टर है, क्योंकि ये अब विलन तो है लेकिन जो हर फिल्मों में सिर्फ नहीं अपनी ज़बरदस्ती चलाता, लेकिन इस फिल्म में से अपनी ज़बरदस्ती नहीं चलाता, इस चीज़ों को महसूस करता है कि नहीं ये सही है या गलत है, उसी के खिलाफ ये चीज़ों को लड़ता है। लेकिन एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा जगह आता है जहाँ पर ये जो है अपने जीत पर आता है, अपने जीत पर आता है तो फिर दोनों लोगों को जो है मारने की कोशिश करता है। तो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है और अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस टाइप का कैरेक्टर बहुत कम किया है। सर जिस तरह से भोजपुरी फिल्म का आजकल बिजनेस करते जा रही है, पिछले के मुकाबले भोजपुरी फिल्म ने ज़्यादा बिजनेस करने शुरू कर दिए, जिस तरह से भी रवि किशन ने क्या प्रोडक्शन हाउस खोला, तो क्या आप लगता है कि तो बड़े बड़े सितारों को भोजपुरी फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए सर, क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनका जो है फिल्मोग्राफी एक है और फिल्में कैसे बनती हैं, कैसे रिलीज होती हैं, कैसे इनका बिजनेस, इनको सबको मालूम है, तो इन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय फिल्में बिजनेस कर रही हैं, तो नो डाउट 100% इस समय भी निरहुआ हिंदुस्तानी से लेकर के पटना टू पाकिस्तान चाहे हथकड़ी, काफ़ी फिल्मों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। लेकिन यह है कि साफ सुथरी अच्छी फिल्में बनेंगी तो 100% बिजनेस करेंगी, और पहले भी अच्छी फिल्मों ने बिजनेस किया, इस समय भी अच्छी फिल्में बन रही जो बिजनेस करेंगी। सर फिल्म के गाने की बात की जाए तो कि जिस तरह भोजपुरी में आइटम सॉन्ग डाला जाता है फिल्म में हिट कराने के लिए, इसमें भी कुछ ऐसा हटके आइटम सॉन्ग या कुछ? हमारी इस फिल्म में भी आइटम सॉन्ग है लेकिन बल्गर नहीं है, बोल से उसके बड़े अच्छे हैं। और हम लोगों की, क्योंकि वो गाना जो हमारा शूट होगा, हमारी फैमिली के लोग बैठे हैं, घर की औरतें बैठी हैं, तो उस बीच में गाना है तो थोड़ा बल्गर नहीं है, साफ़ सुथरा गाना है। और जहाँ तक रहा कि गानों का, तो सारे के सारे गाने हमारे इस फिल्म के सारे अच्छे हैं। मतलब पारिवारिक फिल्मों का परिवार के साथ सिनेमा घर में जा सकते हैं दर्शक? ज़रूर, इस फिल्म को देखने परिवार के साथ आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पारिवारिक एक्शन रोमांस से लेकर सब कुछ डाला गया। कमर्शियल फिल्म है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा बलगट्टी से इस फिल्म को दूर ही रखा, क्योंकि अभी सेंसर भी टाइट हो गई है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो सब कुछ चीज़ों को माध्यम रख करके। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग दिली इच्छा आर्टिस्ट लोग, हम लोग चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बने, साफ़ सुथरी फिल्में बने, जो ऑडियंस हमारी हमसे कट चुकी है वो ऑडियंस भी आकर के फिल्मों को फिर से देखें, क्योंकि एक समय था कि भोजपुरी फिल्मों के लिए घर की औरतें आती थी, मतलब बड़ी संख्या में आती थी, जो अब नहीं आती हैं। लेकिन अब जब साफ़ सुथरी फिल्में आने लगी, साफ़ सुथरे गाना होगा, तो लोग 100% फिर से निकल पाएंगे। अच्छा, इस फिल्म के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है इस फिल्म में, और एक मैसेज है इसमें, जो मैसेज मैं ओपन नहीं करूँगा, आप लोग फिल्म देखेंगे जरूर समझ में आएगा आपको क्या मैसेज है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को। थैंक यू। सर जिस तरह से रवि किशन देखो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं, सर भोजपुरी के दो तीन स्टार है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, तो क्या आपको भी हिंदी फिल्मों में दिखाई देंगे? सर मैं ज़रूर आप देखने को मिलेगा, अभी मेरी एक फिल्म जो है जैकी वैकी कंप्लीट हुई है, एक एंटरटेनमेंट कॉमेडी फिल्म है, और अभी मेरी एक फिल्म और रिलीज हो रही है हनक, दोनों हिंदी फिल्में हैं, और मैं तो शुरुआत ही हिंदी से किया था, संजय खान जी की सीरियल जो है जय हनुमान से मैंने करियर का शुरुआत किया था, उसके बाद काफ़ी मैथलो सीरियल्स मैंने किया, उसके बाद जो है मैंने फिल्में भी उस बीच में अनसोन्स काफ़ी हिंदी फिल्में भी की मैंने, छोटी बड़ी मिला करके। बीच में जब मैं चैनल में था, चैनल में करीब मैंने 5 साल चैनल को भी दिया है, चैनल से जब रिटर्न आया तो भोजपुरी में आया, भोजपुरी ने मुझे वेलकम किया, भोजपुरी ने मुझे प्यार दिया, तो मज़ा आता है भोजपुरी करके। लेकिन हिंदी भी हर आर्टिस्ट करना चाहता है, मेरी भी इच्छा है, मैं कर भी रहा हूँ, और आप जरूर देखेंगे हिंदी में। सर जिस तरह से भोजपुरी में आपकी एक छाप है एक विलन के तौर में, तो क्या हिंदी फिल्म में भी वही छाप रहता है कि कुछ अलग रहता है? मैं इतना जानता हूँ सर कि एक्टर की कोई छाप नहीं होती, एक्टर को जिस रूप में दर्शक पसंद कर लेते हैं, मोस्टली प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उसी रोल के लिए उसको प्रिफर करते हैं। और अब मेरी अभी कुछ फिल्में रिलीज हो रही, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें मैं हीरो का भी कर रहा हूँ रोल, तो वो हीरो मतलब एक एक्शन हीरो है, जो कैरेक्टर हीरो है,
तो मैं हर टाइप का भी रोल करता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग फिल्मों में। थैंक यू सर। आज की फिल्म की सीन की बात कीजिए, क्या सीन चल रहा है और काफ़ी अलग लुक में नज़र आ रहे हैं, क्या है मामला, क्या सीन? सबसे पहले तो मैं महुआ और संगीत भोजपुरिया के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी फिल्म पे, तुम्हारे प्यार की कसम। तुम्हारे प्यार की कसम एक ऐसी फिल्म है जो हम अपनी पूरे परिवार के साथ में जाके, बहन, माँ, भाभी सबके साथ बैठ के हम देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा फिल्म आया जा रहा है सीन। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह का कैरेक्टर है, मेरे बड़े भाई विधायक हैं और जब वो एब्सेंस है तो मैं ही विधायक हूँ। तो बस दबंगई है हमारी और चलती रहेगी। तो सर, जिस तरह से फिल्म की आज पुलिस स्टेशन का सीन किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे, कुछ उसके बारे में हिंट देंगे, क्या चल रहा है? पुलिस स्टेशन का सीन है भाई, हमारे भाई के एब्सेंस में हमारे भतीजे को कोई तकलीफ हुई थी, हमारे भतीजे का रोल कर रहे हैं बालेश्वर जी, उसको कोई तकलीफ हुई थी, इसलिए हम गए थे पुलिस स्टेशन में और एसपी से कुछ बात करने के लिए, और एसपी ने, जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वही एसपी का किरदार निभा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा काम चल रहा है इस वक्त। सर, जिस तरह से फिल्म का नाम है तुम्हारे प्यार की कसम, तो फिल्म में क्या एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांटिक होगा? फिल्म का नाम तो लग रहा है तुम्हारे प्यार में, तो ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक फिल्म होगी, तो आप फिल्म पूरी तरह से रोमांटिक है, पूरी तरह से एक्शन है, पूरी तरह से ड्रामा है। मतलब एक कंप्लीट मसाला बोल सकते हैं, भोजपुरी का एक मसाला पैकेज आपको, हमारे पूरे भोजपुरिया दर्शकों को एक पैकेज मिल रहा है। सर, जिस तरह अभी सेंसर बोर्ड अश्लीलता को लेकर काफ़ी वो हुआ है, तो इसमें क्या कुछ अश्लीलता सीन है क्या कुछ? जी नहीं, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत भोजपुरी खास करके वल्गर गाने और ये सब को लेके बहुत नाम खराब हो रहा था। इसके लिए मैं तो सेंसर बोर्ड का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया, और हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि इस फिल्म के अंदर मैं अपनी फैमिली के साथ में बैठ के थिएटर में फुल फिल्म को एंजॉय कर सकता हूँ। जिस तरह से भोजपुरी फिल्म में चला एक आइटम सॉन्ग, मतलब आइटम सॉन्ग रहेगा फिल्म में हिट हो जाएगी, तो आप इस फिल्म में भी कुछ आइटम सॉन्ग दिखाई देगा? आइटम सॉन्ग डेफिनेट होगा, जरूरी नहीं आइटम सॉन्ग क्या होता है। आइटम सॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी गाता रहे, आइटम सॉन्ग होता है एक एंटरटेनमेंट। आपने नदिया के पार फिल्म देखी होगी, उसमें देखिए होली में जोगी जी जी रहे, वो भी एक आइटम सॉन्ग है। ससुरा बड़ा पैसा वाला में गमछा बिछाए के, वो भी एक आइटम सॉन्ग है। लेकिन आज हम पूरे परिवार के साथ वो गमछा बिछाए के एंजॉय करते हैं, तो आइटम सॉन्ग खराब नहीं होता, आइटम सॉन्ग के वर्ड खराब होते हैं। हमारी फिल्म में भी आइटम सॉन्ग है, लेकिन आप उसी तरह से आप इसको अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? दर्शकों से तो यही कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी साध भाई जो डायरेक्टर हैं जिनके साथ में, और बड़े अच्छे टेक्नीशियन हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं। और इस फिल्म की एक और अच्छी खासियत है, भोजपुरी फिल्म के राइटर डायरेक्टर अच्छे, संतोष मिश्रा की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और उनकी स्क्रिप्ट में कहीं वल्गरिटी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं संगीत भोजपुरिया और महुआ चैनल के मेरे सारे दर्शकों से, सारे उत्तर भारतीयों से, सारे इंडिया से, हर किसी से ये निवेदन करूँगा कि भोजपुरी की इस फिल्म को जितना ज़्यादा देखें, अच्छे से देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, उतना ही मज़ा आएगा।